नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल हरी एवरीवेयर के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुंदरकांड जो कि श्री रामचरितमानस का पांचवा कांड है, इसकी बहुत महिमा है। आखिर इसका नाम सुंदरकांड क्यों है, क्या है इसमें ऐसा सुंदर, तो इसी पे हम विचार करते हैं। सबसे पहली बात, लंका जो है वो त्रिकुटांचल पर्वत पर बसी हुई थी। त्रिकुटांचल अर्थात तीन पर्वत। सबसे पहला पर्वत सुबेल पर्वत, जहां के मैदान पर युद्ध हुआ था। दूसरा पर्वत था नील पर्वत, जहां पे राक्षसों के महल थे। और तीसरा पर्वत था सुंदर पर्वत। इसी पर्वत पे अशोक वाटिका थी, जहां पे रावण ने माँ सीता का हरण करके उनको वहीं पे रखा था। अगली बात करें तो आपने सुना होगा, जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए लंका जा रहे थे, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा सुंदरकांड में चौपाई है, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कोदी चढ़े उता ऊपर। ये वही पर्वत था सुंदर पर्वत, जहां के ऊपर चढ़ के हनुमान जी ने बार बार रघुवीर संभारी, और तरक्यो पवन तनय बल भारी, और जय गिरि चरण देई हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता। तो एक कारण यह भी हुआ कि इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा। सुंदर कांड में 8 बार सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आगे हम विचार करते हैं कि ये कांड बाकी कांडों से श्रेष्ठ क्यों है। आइए बात करते हैं किष्किंधा कांड की। किष्किंधा कांड की बात है, जब ऋषिमुख पर्वत के नीचे भगवान राम और हनुमान जी मिलते हैं, तो हनुमान जी उनको लेकर जाते हैं ऋषिमुख पर्वत पे, और वहाँ पे अग्नि को साक्षी मान के सुग्रीव जी और भगवान श्री राम की मित्रता होती है। तो भगवान उनसे अपने बारे में बताते हैं कि हम यहाँ पे सीता माँ के हरण के कारण घूम रहे हैं, हमें सीता माता का पता लगाना है। तो सुग्रीव जी कहते हैं कि हाँ हाँ, हमने देखा था सीता माँ को। क्या कैसे देखा था? कह मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हूं मैं करत विचारा, और गगन पंत देखी मैं जाता, परवस परी बहुत बिल पाता। हमने देखा था कि सीता माँ को रावण लेके जा रहा था, तो लक्ष्मण जी पूछे आप कर क्या रहे थे? कह बैठ रहा हूं मैं करत विचारा, उधर रावण लेके जा रहा है सीता माँ को, और ये बैठ के विचार कर रहे हैं। अच्छा, आगे की बात करते हैं लंका कांड की। लंका कांड में जब प्रभु श्री राम लंका में आ जाते हैं, सेतु बन जाता है, लंका में प्रविष्ट हो जाते हैं, आगे की युद्ध की तैयारी हो रही होती है, तो रावण अपने सभी मंत्रियों के सहित बैठता है, और बात होती है कि अभी हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो रावण के चापलूस मंत्री थे, उन्होंने कहा, लंकेश हमें किस बात की चिंता, नर कपि भालू आहार हमारा। रावण बहुत खुश होता है, लेकिन रावण का एक बेटा था जिसका नाम था प्रहस्त। प्रहस्त बोलता है कि अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, एक बंदर आया था जिसका नाम था हनुमान। हनुमान ने आके लंका में आग लगा दी, तब नर कपि भालू आहार हमारा तुम्हारा कहाँ चला गया, तब क्या तुम्हारे पेट खराब थे? तो ये सुन के रावण के मंत्रियों ने कहा कि आपका बेटा हमारा अपमान कर रहा है। तो कुल मिला के आगे की बात आपको पता ही है कि समूल असुरों का विनाश हो गया। तो ये चीज यहां पे सामने आती है कि लंका कांड में केवल कार्य हुआ है, विचार नहीं हुआ है। किष्किंधा कांड की हम बात करें, किष्किंधा कांड में बैठ रहूं मैं करत विचारा, खाली विचार हुआ है, कार्य कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन यदि हम सुंदर कांड की बात करते हैं, तो सुंदर कांड में आप देखेंगे, जब हनुमान जी जाते हैं माता सीता के पास में, कपि मन की न विचार, दीनी मुद्रिका डारी तब। हनुमान जी विचार भी करते हैं और कार्य भी करते हैं। तो इसी कारण से सुंदरकांड
वो कांड है जो व्यक्ति को सिखाता है कि कार्य को विचार के साथ करना चाहिए। यदि हम केवल विचार करेंगे, कार्य कुछ नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं। लंका कांड में क्या हुआ था, मैंने आपको बताया ही, खाली कार्य हो रहा बिना विचार के। लेकिन सुंदर कांड इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है हर मायनों में, क्योंकि वो हमारे आज के जीवन को भी ये शिक्षा देता है कि हमें विचार के साथ ही कार्य करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम।